हथेलियों को घुटनों पर रख लें। एक गहरी सांस लें और छोड़ते हुए कमर से जितना हो सके आगे की ओर झुकें। अब हम शरीर को घुमाएंगे। पहले आधे चक्र में सांस लेते हुए शरीर के ऊपरी हिस्से को दाहिनी ओर से पीछे की ओर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए बाईं ओर से आगे की ओर ले आएंगे। सांस लेते रहें, अपनी लय से करें। एक चक्र और, अब उल्टी दिशा में सांस लेते हुए शरीर के ऊपरी हिस्से को बाईं ओर से पीछे की ओर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए दाईं ओर से आगे की ओर ले आएंगे। जारी रखें। ऊपर आते हुए सांस अंदर और नीचे जाते हुए सांस बाहर। एक चक्र और, इस आखिरी चक्र को पूरा करें। अब सांस लेते हुए धीरे से बैठ जाएं, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर सरकते हुए पेट के बल लेट जाएं। हथेलियों को आसमान की ओर करते हुए शरीर के बगल में रख लें, टुड्डी जमीन से लगी हो। अब सांस लेते हुए अपनी दाहिने पैर को जमीन से 6 इंच ऊपर उठाएं, पैर को सीधा रखें, घुटनों को सीधा रखें, जंघा भी ऊपर रहे। हर अवस्था में 3 से 4 उज्जयी सांस लेते रहें। सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे ले आए। अब सांस लेते हुए बाएं पैर को जमीन से 6 इंच ऊपर उठाएं, पैर सीधा रखें, सांस लेते रहें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर नीचे लाएं, दोनों हाथों की मुट्ठी बांधकर उन्हें जंघा के नीचे दबा लें। सांस लेते हुए दोनों पैरों को जमीन से 6 इंच ऊपर उठाएं, पैरों को सीधा रखें, ध्यान रखें कि जंघा भी जमीन से उठी रहे। पूर्ण शलभासन, सांस लेते रहें।
अब सांस छोड़ते हुए पैरों को नीचे लाएं। हाथों को कंधों के बगल में रख लें, कोहनी शरीर से लगी रहे। सांस लेते हुए सर को ऊपर उठाएं, छाती को ऊपर उठाएं, ऊपर देखें, कंधों को कान से दूर ही रखें। भुजंगासन जितना अपने से हो सके उतना ही करें, सांस लेते रहें। सांस छोड़ते हुए छाती को नीचे लाएं, सर नीचे लाएं। हाथों को सामने फैला दें। अब सांस लेते हुए दोनों हाथों और पैरों को जमीन से ऊपर उठाएं, सुपरमैन आसन। थोड़ा और ऊपर। इसी अवस्था में सांस लेते रहें। सांस छोड़ते हुए हाथों और पैरों को धीरे धीरे नीचे लाएं, घुटनों को मोड़कर कुल्हों से लगा लें, दोनों हाथों से नली यानी एंकल को पकड़ लें। सांस लेते हुए छाती और जंघा को ऊपर उठाएं, धनुरासन जितना हो सके उतना ही करें। इसी अवस्था में सांस लेते रहें। सांस छोड़ते हुए शरीर को नीचे लाएं। करवट लेके पीठ के बल लेट जाएं, हथेलियां बगल में रहे। एक गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए हाथों और पैरों को एक साथ ऊपर उठाएं। हाथ आंखें और पैर एक रेखा में रहे। नौकासन। सांस लेना ना भूलें। सांस पर ध्यान रखने से यह आसन आसान हो जाता है। सांस लें और शरीर को नीचे लाएं। अब सांस छोड़ते हुए दाएं घुटने को मोड़कर छाती के नजदीक ले आएं। हाथों से पैर को दबाते हुए नाक को घुटने के करीब लाएं। जितना हो सके उतना ही करें। सांस लेते हुए पैर को सीधा कर लें। अब सांस छोड़ते हुए बाएं घुटने को छाती के नजदीक ले आएं। हाथों से पैर को दबाते हुए नाक को घुटने के करीब लाएं। सांस लेते हुए पैर को सीधा कर लें। सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को मोड़े और हाथों से घुटनों को छाती की ओर दबाएं। गर्दन उठाते हुए नाक को घुटनों के बीच लाने का प्रयत्न करें। पूर्ण पवन मुक्तासन। जितना हो सके उतना ही करें। चाहे तो शरीर को धीरे धीरे आगे पीछे या दायां बायां हिला सकते हैं। और सांस लेते हुए दोनों पैरों को सीधा कर लें। और विश्राम करें। जो कर सकते हैं वो सर्वांगासन में आ जाएं, पैर ऊपर उठाएं, हाथों का सहारा लेकर कमर को ऊपर उठाएं, पूरे शरीर को ऊपर उठाएं, पैरों को सीधा करें, सीधा आसमान की ओर।
सांस लेते रहें। और विश्राम करें। यह आवश्यक है कि आप धीरे धीरे नीचे आएं। सांस लेते हुए दाहिने घुटने को मोड़ते हुए दाएं पैर को ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए दाहिने घुटने को बाएं पैर के बाईं ओर झुकाएं, साथ में गर्दन को दाईं ओर मोड़े। नटराज आसन। आप बाएं हाथ से दाएं घुटने को नीचे दबा सकते हैं। कंधों को जमीन पर ही रखें, जितना हो सके उतना ही करें। और विश्राम करें। दाहिने पैर को सीधा कर लें। अब बाएं पैर से करेंगे, बायां घुटना ऊपर उठाएं और इसे दाहिनी ओर झुकाने के लिए दाएं हाथ का सहारा लें और बाईं ओर देखें। आप दाहिने हाथ से बाएं घुटने को नीचे की ओर दबा सकते हैं। कंधा जमीन से लगा रहे। सांस लेते हुए बाएं पैर को सीधा करें। अर्ध मत्स्येन्द्र आसन के लिए धीरे से उठकर बैठ जाएं। बाएं पंजे को दाहिने कूल्हे के नीचे रखें। दाया पंजा बाया घुटने के पास, दाया घुटना आसमान की ओर। अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाएं। बाएं हाथ को दाहिने घुटने के पीछे से दाहिने पैर की ओर लेकर आएं। दाहिने कंधे से पीछे की ओर देखें। सांस छोड़ते हुए सामान्य अवस्था में आ जाएं। अब दूसरी तरफ से करें। दाएं पैर को मोड़े और एड़ी को बाएं कुल्हे के नीचे रखें और बाएं पंजे को दाएं घुटने के सामने रखें। बायां घुटना आसमान की ओर और अपने बाएं ओर मुड़ जाएं और दाहिने हाथ को बाएं घुटने के बाएं से लेकर बाएं पैर को पकड़ने का प्रयास करें। बाएं कंधे से पीछे की ओर देखें। अर्ध मत्स्येन्द्र आसन। सांस लेते रहें। शरीर में खिंचाव उत्पन्न करें। सांस छोड़ते हुए सामान्य अवस्था में आ जाएं। आराम से पद्मासन, अर्ध पद्मासन अथवा सुखासन में बैठ जाएं। सांस लेते हुए बगल से दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए सर के ऊपर हथेलियों को आपस में लगा लें। हाथों को जितना हो सके ऊपर ले जाएं। हथेलियां आपस में जुड़ी रहे। पर्वत आसन। पूरे शरीर को जितना हो सके ऊपर की तरफ खिंचाव दे। पहाड़ की तरह स्थायी रहे। सांस लेते रहें। सांस छोड़ते हुए हाथों को बगल से नीचे लाएं। एक साथ दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए दाएं हाथ की मुट्ठी बांधकर बाएं हाथ से दाएं कलाई को पकड़ लें और सांस छोड़ते हुए कमर से शरीर के ऊपरी भाग को आगे की ओर झुकाएं। जितना हो सके उतना ही करें। योग मुद्रा। इसी अवस्था में विश्राम करें। सांस लेते हुए रीढ़ की हड्डी को धीरे धीरे सीधा करते हुए ऊपर उठें। और आराम से बैठ जाएं। अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। बायां हाथ चिन मुद्रा की स्थिति में बाईं जंघा पर हो। दायां अंगूठा दाई नासिका पर, मध्यमा व तर्जनी दोनों भ्रुवों के बीच
अनामिका व छोटी उंगली बाएं नासिका पर। दोनों नासिकाओं से सांस लें, अंगूठे को दबाएं और बाईं ओर से सांस छोड़ें, बाईं ओर से सांस भरें। अनामिका को दबाएं और दाहिनी नासिका से सांस छोड़ें। अब दाहिनी नासिका से सांस लें और बाईं ओर से छोड़ें। अपनी गति से चालू रखें, कोहनी नीचे की तरफ रहे, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। जिस गति से सांस भरते हैं उसी गति से सांस छोड़ें। सांस सरल और सहज हो। नाड़ी शोधन प्राणायाम जारी रखें।